मुंबई। तो गाइस ये देख सकते हैं हम लोग मुंबई पहुंच गए, मुंबई मुंबई ये देख सकते हैं मुंबई है? हम लोग तो बनारस आए हैं, मुंबई कहाँ पहुंच गए भाई साहब, मुंबई आ गए। चलिए आगे इंग्लिश टॉक, ये सब स्पीकिंग है। I know English is speaking. Yes. Only Hindi is speaking. Just chill. Yeah. तो यार कैसे बोले, कब आए हैं उसको कैसे बोले, इंग्लिश में बोलने भी नहीं जानते हैं तो ज्यादा कुछ क्रेजी। जय श्री राम दोस्तों, हम लोग अयोध्या से आज आए हैं और काशी विश्वनाथ में है और यहाँ का नजारा बहुत ही मस्त नजारा लग रहा है और यहाँ से घूम फिर के हम लोग दिल खुश हो गया तो सोचे कि आप लोग को दिखा दे। और मेरा हेमंत भाई जो मेरा दोस्त है वही बोला था कि यहाँ काशी विश्वनाथ में गंगा स्नान करने आना भाई, यहाँ और कहीं जाएगा या नहीं जाएगा गंगा स्नान करने आना बोला था, इसीलिए आए थे। हेमंत भाई को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि मेरे को इतना अच्छा जगह में भेजने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो यहाँ का जितना भी नजारा है आप लोग को पूरा एक साइड से दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों एक भैया जी हम लोग के साथ में मिले हैं जो कि कहाँ के हैं, इनसे बात करके बड़ा ही दिल में खुशी होता है। या व्हाटचे ब्रो या विद फॉर्म, क्या यार क्या बोले समझा नहीं पा रहे हैं यार, हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आपका कौन सा देश से आए भैया बताइए थोड़ा, स्टेट यूर फ्रॉम स्वीडन। भाई साहब हम बोल नहीं पा रहे भाई, क्या बताए, स्वीडन ना स्वीडन बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, हम हिंदी इनको समझ में नहीं आता है, इंग्लिश हमको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज आ गए यार, बात कैसे करें भैया आपका भैया है यार भैया I don't know English, only Hindi. Yes, I only know English, no Hindi. It's hard. Your language? Swedish. Swedish? Yes. Yeah. English talk? Well, yes, I'm speaking English. What? I know English is speaking. Yes. Only Hindi is speaking. Just chill. Yeah. तो यार कैसे बोले, कब आए हैं उसको कैसे बोले, इंग्लिश में बोलने भी नहीं जानते हैं तो ज्यादा कुछ क्रेजी यार, मतलब हंस रहे हैं उसको समझ में आ रहा है भैया को, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, क्रेजी या। चलिए भैया लोग स्विजी से आए, कौन सा देश पता नहीं लेकिन हम What is this saying? Yeah. तो चलिए गाइस क्या बोले, तो ठीक है ओके, मीट यू अगेन, सॉरी या तो चलिए कॉन्टेक्ट नंबर बोलिए, चलिए निकलते हैं गाइस, कॉन्टेक्ट नंबर क्या करेगा, चलो ले लो बात कर। सो गाइस अभी हम लोग भोलेनाथ का मंदिर जा रहे हैं और काफी दिल में खुशी मिलेगा जो कि बहुत कोई जा रहे हैं, ये देख सकते हैं पीछे से भी आ रहे हैं, तो आप लोग अभी इधर से निकलते हैं और भैया तो भैया के साथ भी जा रहे हैं और ये भैया लोग भी जा रहे हैं साथ में। हेलो या आई एम फाइन, योर यू अरे इंग्लिश नहीं जानते, हम इंग्लिश इतना ही जानते हैं, मतलब हिंदी में बोले हिंदी में। अच्छा हम झारखंड से जंगली मैंने देहात से है, देहात से आदिवासी एरिया से, आदिवासी बासी भात खाते हैं। चलिए तो अपन लोग निकलते हैं और कुछ नहीं, छोटा मोटा इसे एंजॉय के लिए कर लेते हैं मुंबई। तो गाइस ये देख सकते हैं हम लोग मुंबई पहुंच गए, मुंबई ये देख सकते हैं मुंबई है? हम लोग तो बनारस आए हैं, मुंबई कहाँ पहुंच गए भाई साहब, मुंबई आ गए। चलिए आगे निकलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं आप लोग को। सो गाइस एक भैया मिले हैं, बोल रहे हैं वाह यार मानना पड़ेगा, बोल रहे हैं क्या मानना पड़ेगा थोड़ा बताइए, आपकी बोलने की एक्टिंग यार भाई
सेकंड हैंड आईफोन हमको कितना में दे जाते हैं? कौन सा चाहिए? 13 प्रो मैक्स 60,000 58,000 मेरे लिए कितना में है बताइए? 55,000 में दे देंगे। 5,000 में दीजिएगा तो बताइए, हम आप भी जाएंगे लेने। दे देंगे तुम्हारे लिए तो, हम तो तुमसे सीधा हो गए यार। सच में दीजिएगा? सीधा हो गया, झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं पक्का देंगे। आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए और हम जा रहे हैं एक हफ्ता के अंदर में। अंकित मोबाइल इंस्टा में सर्च कर लेना, ठीक है? एक जाएंगे वीडियो बनाएंगे। 5,000 में आईफोन दीजिएगा? देंगे देंगे, पक्का जबान का पक्का है ना? पक्का पक्का बिल्कुल। ओके तो आपका प्रमोशन भी कर देंगे। तुम्हारे चैनल का नाम क्या? ठीक है, आपका मेरा चैनल का नाम है रिंकू बैठा ब्लॉग है। 10,000 समथिंग सब्सक्राइबर होने वाला है। लोगों का सपोर्ट और प्यार से 5,000 में दीजिएगा आपका चैनल। मैं रिंकू सर्च करता हूँ ना। हाँ कीजिए ना। तो गाइस भैया 5,000 में मेरे को आईफोन देंगे बोले हैं, जवान का पक्का है कि नहीं? दुकान का क्या नाम बोले? अंकित मोबाइल दुकान का नाम है। अगर मेरे को 5,000 में आईफोन नहीं देते हैं तो जितना भी ऑडियंस है मेरे, कोई भी भैया का दुकान में नहीं जाना, ठीक ना? अगर भैया दे दिए मेरे को 5,000 में मेरे को आईफोन, तो जितना भी मेरे व्यूअर्स हैं हम बोलेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि भैया के दुकान में आप लोग जाइए और मोबाइल खरीदिए। कहाँ कहाँ है, कहाँ है भैया आप? कहाँ बोले? एमपी सिवनी। कहाँ पे है मतलब? पूरा एड्रेस बता दीजिए, पूरा एड्रेस बता दीजिए, जो भी देखेगा जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में सिवनी जिला में बरघाट तहसील में। चलिए लोकेशन मतलब और एक बार बोल दीजिए लोकेशन, हमको खुद समझ में नहीं आया। तहसील बरघाट, जिला सिवनी और प्रदेश मध्य प्रदेश। चलिए मध्य प्रदेश में है भैया का दुकान, जो कि रिंकू क्या डालू, रिंकू बैठा ब्लॉग देखिए भैया ये। चलिए ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, सच में भाई 5,000 में आईफोन, 5,000 सच में मेरे लिए? टैग नहीं, फोन नंबर दीजिए, लिखिए। चलिए सो गाइस भैया से फोन नंबर ले रहे हैं और फिलहाल मेरे पास एक हफ्ता के अंदर अंदर आईफोन आने वाला है, जो कि ये क्वालिटी देख रहे हैं। एक भैया, ये भैया का मोबाइल है, आईफोन नहीं है, तो भैया मेरे को 5,000 में एक आईफोन देने वाला है। तुरंत जाएंगे एक हफ्ता के अंदर में और भैया से फोन नंबर लेते हैं और जाते हैं खरीदेंगे। शुक्रिया भैया मेरे को आईफोन दिया। नंबर 8878735857। चलिए ये नंबर जो बोले वो नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके इनके दुकान पे जाके खरीद सकते हैं और हम तो आईफोन लेने जाएंगे फिलहाल में। तो चलिए भैया ना। जी ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं। भैया को सब्सक्राइब करो यूट्यूब में और इंस्टा में आईडी है क्या? अरे इंस्टा ध्यान नहीं देते, चालू करो। ओके ओके, आज से चालू करो। ठीक ठीक, मजा आया। नंबर अच्छा, मेल करता हूँ तुम्हें को नंबर। कॉल करेंगे भैया। ठीक ठीक। तो दोस्तों फाइनली हम लोग प्रसाद ले लिए भैया से और यही ये भैया भी ले लिए और यही भैया मेरा टीका लगा दिया है यही भैया। और ये रहा मंदिर जो देख रहे हैं, ये द्वार है, मंदिर का द्वार है, हम लोग इसी का अंदर में जाएंगे। तो बने रहिए, अगर मोबाइल अंदर घुसाने देगा तो जरूर दिखाएंगे अंदर का नजारा, नहीं तो निकलने के बाद में दिखाएंगे आपको। So guys, हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए गए थे लेकिन घुसने नहीं सके, बहुत दुख की बात है। हम लोग का बस था आधा घंटा का बाद और दर्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, लेकिन एक महीना बाद फिर आएंगे फ्यूचर में, कभी ना कभी आएंगे और मेन 2 महीना में आ जाएंगे और बहुत जल्द आएंगे हम लोग घूमने के लिए। और ये जगह देख सकते हैं, ये माहौल देखिए, माहौल हम लोग का माहौल देखिए, हम लोग का माहौल देखिए। जिंदगी में पहली बार रिक्शा में बैठे हैं, बड़ा भयानक शोर शराबा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो निकलते हैं हम लोग इधर से। गाइस चैनल को लाइक कीजिए, रेक सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। ओके ओके, बाय, सी यू, लव यू, मिस यू, किस यू। So guys, रिक्शा में बैठ के आज का ब्लॉग एंड करेंगे, जिंदगी में पहली बार और बहुत ही मजा आ रहा है हम लोग को बैठ के। रिक्शा चला रहा है भैया, देख सकते हैं काफी भीड़ भाड़ है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धमाकेदार ब्लॉग में मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।